को ऑन करते ही आपको दिखेगा एक खूबसूरत सा। सो हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑन यूट्यूब। सो दिस इज माय सेकंड वीडियो ऑन यूट्यूब। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और मैंने सोचा कि अभी मैं थोड़ा सा आपको जो मोस्टर डीजे प्रो X15L है मेरे पास स्पीकर है, तो मिनी डीजे स्पीकर भी बोलते हैं इनको, तो मैंने सोचा कि आपको इसका भी रिव्यू। तो चलिए विंडो को ओपन करने के बाद बताता हूँ मैं किस तरह का व्यू दिखाई देता है। तो विंडो को ऑन करते ही आपको दिखेगा एक खूबसूरत सा नज़ारा, और ये अंगूर की बेल है जिसपे कि छोटे छोटे अभी अंगूर लगना शुरू हुए हैं। और ये सामने जो है वो होटल की अंडर कंस्ट्रक्शन में है, इसकी कंस्ट्रक्शन अभी चल रही है। और यहाँ पे टूरिज्म आए हुए हैं, ये जो हट है छोटे छोटे से यहाँ पे फॉरेस्ट के बीचों बीच, और वहाँ सामने होटल फॉर्च्यून है यहाँ पे डलोजी में जो लिंक रोड है हमारा, वहाँ पे 3 स्टार होटल है। तो सभी जो फैसिलिटी है यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो कुछ इस तरह से जो आप हमारा रूम का जो वुडन का जो इंटीरियर स्ट्रक्चर रहता है कुछ इस तरह का रहता है। मैं आपको जो ये स्पीकर हैं उनको मैं आपको ऑन करके बताता हूँ। ये NCS सॉन्ग होते हैं, कुछ जिनको पता है उनको तो पता है कि नॉन कॉपीराइट सॉन्ग जो होते हैं इससे कॉपीराइट नहीं आता है। तो इसको प्ले करके दिखाता हूँ मैं आपको, और मैं जो अभी मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ वो भी दिखाता हूँ। तो ये वाला मोबाइल जो है ओप्पो F11 Pro जो है जिसका पॉपअप कैमरा रहता है, इसका यूज़ कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इसमें ब्लॉग जो है जो फ्रंट कैमरा है वो अच्छा है ब्लॉग शूट करने के लिए। तो इसी में मैं अपना पावर बटन ऑन करना है, फिर इसके बाद स्टैंड बाय। स्टैंड बाय ऑन होने के बाद इनपुट का जो यहाँ पे इसको प्रेस करना है, फिर से ये ब्लूटूथ मोड आ गया। अब हमें जो जो है फ़ोन दूसरा वाला इससे कनेक्ट करना है। कनेक्ट हो चुका है, अब मैं आपको इसके साउंड टेस्ट दिखाता हूँ। इसमें लाइट का एक बटन है, अगर आप चाहते तो लाइट जो आपके पास ये जो कंट्रोल है ये आपके बेस को कंट्रोल करेंगे। अगर आपको बेस चाहिए तो आपको ये फुल करने देते हैं, और ये जो है आपके वोकल को मेंटेन करते हैं। और ये वाले आपके जो ट्यूटर साउंड है इसमें हॉर्न ट्विटर लगे हुए हैं ये वाले, और ये 360 का मेगावाट का हैवी स्पीकर लगा हुआ है। बेस को हम ज़्यादा देर तक वैसे भी सुन नहीं सकते, क्योंकि जो साउंड DB वगैरह होते हैं वो हार्ट पे अफेक्ट करते हैं, जो साउंड वेव वगैरह होती हैं। तो इसलिए मैं कभी कभार इसको यूज़ करता हूँ, वैसे तो काफ़ी अच्छे लगते हैं ये। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही शानदार ब्लॉग बनाता रहूं। और कल मैं फिर से राइड पे जाने वाला हूँ विद R15। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड बाय।